हेलो एवरीवन, मैं हर्ष कुमार साहू आप सभी लोगों का अपने चैनल पढ़ो दिल से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है द्रव सतह पर तरंगे तथा उर्मिका को अध्ययन करने वाले, ठीक है ना। पिछले वीडियो में हम लोग ने जो है प्रगामी तरंग की जो है ऊर्जा घनत्व तो देख लिया था, है ना। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा, है ना। मैं आप लोग को अपने नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इसको अपने कॉपी में लिखते हुए और समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन जब तक नहीं जानेंगे तब लोग हम लोग को जो है व्यंजक करने में जो है दिक्कत आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेविटी वेव का जो है थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी वेव क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कोई कण होता है उसको हम लोग जो है पानी में फेंकते हैं ना, तो पानी में जो है तरंग बनने लगता है ना, थोड़ा सा लहर उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग जो है गुरुत्वीय तरंग कहते हैं, ठीक है। ये द्रव के पृष्ठ में जो है स्पेशली देखने को मिलता है ना। जैसे कि आप लोग तालाब में जाना, तालाब में आप लोग जैसे एक पत्थर फेंकोगे तो उसमें आप लोग को वेव बनता दिखाई देगा, तो स्पेशली वही है गुरुत्वीय तरंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग फिजिक्स के डेफिनेशन कैसे देते हैं फिजिक्स में, है ना। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, किसी द्रव की सतह पर जो है तरंग के आगे बढ़ने का वेग दो कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। पहला कारक कौन सा होता है, गुरुत्वीय बल है ना, जो हम लोग एक्सटर्नल लगाते हैं, और जो पृष्ठीय तनाव होता है जो जल के ऊपर होता है ना पृष्ठीय तनाव, तो इस पर जो है डिपेंड करता है, ठीक है। यदि हम पृष्ठ तनाव को नगण्य मानते हैं तो सतह पर उत्पन्न तरंग का वेग केवल गुरुत्वीय मान पर निर्भर करते हैं ना। हम लोग पृष्ठ तनाव को जो है नगण्य मान लिए, नेग्लेक्ट कर दिया है ना, तो उस जो है उसका मान किस पर निर्भर करता है, उसके जो है गुरुत्व पर निर्भर करता है ना, तो जिसे हम लोग जो है गुरुत्वीय तरंग कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को गुरुत्वीय तरंग थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो है एक जल है, जल के ऊपर से जो है वेव बनता आप लोग को दिखाई दिया होगा, है ना। तो हम लोग जो है यहाँ पर जो वेव बनता है सर्कल फॉर्म में, है ना, इसको हम लोग जो है इसकी डिस्टेंस को, हाफ डिस्टेंस को हम लोग आर मानते हैं, और जिसकी टोटल डिस्टेंस यानी कुल ऊंचाई उसको हम लोग जो है एच मानते हैं, या एच को हम लोग लिख सकते हैं टू आर लिख सकते हैं, ठीक है ना। वेग को हम यहाँ पर हम लोग ने वेग माना है वी, ठीक है ना, त्रिज्या माना है आर, और समय को हम लोग ने टी माना है, ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग को आगे इसी को फॉर्म में सॉल्व करते जाना है ना। तो हम लोग ने क्या पढ़ा है कि अब हम लोग व्यंजक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, किसके व्यंजक के लिए, गुरुत्वीय तरंग के व्यंजक के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गुरुत्वीय तरंग है ना, है ना। तो तरंग का शीर्ष ए पर जो है क्षणिक वेग, यहाँ पर जो है तरंग, यहाँ पार्टिकल जो है मोशन के थ्रू जा रहा है ना तरंग बनाते हुए, तो उसका जो है क्षणिक वेग कितना होगा, एक क्षण में कितना वेग होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्षण एक में कितना वेग माने, वी वन माने, ठीक है, वेग। अब उसके बाद जो है ये सर्कल फॉर्म में जो है मोशन करते हुए जा रहा है ना, तो सर्कल फॉर्म में मोशन चाल को कितना मानते हैं, चाल या वेग को कितना मानते हैं, यू इज इक्वल टू हो जाएगा दूरी बटे समय, हम लोग ने पिछली क्लास में इसको पढ़ा है ना। तो दूरी कितना हो जाता है, यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल दूरी कितना हो जाता है, टू पाई आर, क्योंकि परिधि में वो घूमता है ना, और उसके समय कितना हो जाता है, टी हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो है अंतिम अंतिम वेग कितना हो जाएगा, वी, और जो प्रारंभिक वेग यू कितना हो जाएगा, माइनस टू पाई आर अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है ना, ये वी वन है। और उसके बाद जो है इसी प्रकार हम लोग जो है गर्त श्रृंग, ये श्रृंग के लिए है ना, ये श्रृंग के लिए, ये गर्त के लिए हो जाएगा, गर्त बी पर कर्ण का वेग कितना हो जाएगा, वी टू, अंतिम वेग प्लस कितना हो जाएगा, टू पाई आर अपॉन टी, एज इट इज इसको हम लोग निकाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इक्वेशन नंबर और इक्वेशन नंबर इसको टू दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका क्षणिक वेग प्राप्त हो जाता है हम लोग को, है ना। उसके बाद हम लोग को जो है पता है कि यदि वेग वृद्धि गुरुत्वीय बल के कारण होता है, ठीक है ना, गुरुत्वीय बल के कारण है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम लोग जानते हैं कि ए से बी तक जाने में जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है ना, यहाँ पर से ए से बी, यहाँ पर एक्चुअल में जो है यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है ना, तो ए से बी तक जाने में जो है गतिज ऊर्जा है ना, भाई मोशन के थ्रू जा रहा है तो गतिज ऊर्जा है ना, और जो इसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी जो है आपस में इक्वल होती है ना। तो उसको हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना हो जाएगा, हम लोग पीछे वाले वेग से जो है पहले वाले वेग को जो है माइनस करते हैं ना भाई, तो पहले पार्टिकल का अंतिम वेग, अंतिम पार्टिकल का वेग कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर वी टू हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग वी टू माने। और उसका प्रारंभ पहले कण का वेग कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी इंटू टू आर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या माने हैं, एम जी एच होता है एक्चुअल में, है ना, एम जी एच होता है भाई, एम जी एच होता है ना, तो एम जी एच को यहाँ पर एम जी को एम जी लिखे, और एच की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, वो
2R है, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग ने 2R लिखा, ठीक है, तो एम जी इंटू 2R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हम लोग ने 1/2m को कॉमन लिया, ठीक है ना। वी टू क्या बचता है उसके बाद ब्रैकेट में जो है वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू 2R हम लोग को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर से m और m को कैंसिल कर देते हैं और 2 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या वैल्यू प्राप्त होती है, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 4GR हम लोग को प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग जो है वी वन और वी टू का मान हम लोग यहाँ पर पुट अप कर, यहाँ पर से निकाले भाई वी वन और वी टू का मान, तो यहाँ से निकाले ना, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर से इसको पुट अप कर देते हैं, ठीक है। तो पुट करने पर जो हम लोग को क्या वैल्यू प्राप्त होती है, वी प्लस 2πr/t² माइनस वी माइनस 2πr/t पूरे का वर्ग इज इक्वल टू 4GR हम लोग को प्राप्त होता है। सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो वी आपस में कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इसकी जो वैल्यू कितना आ जाती है वो यहाँ पर जो है हम लोग जो है इसका एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोग को जो है 8πr/v/t इज इक्वल टू जी आर हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली इसको क्या हो जाता है कि 4πr² ऐसे हो जाते हैं ना, फिर इसको सेम एज इट इज़ वही होता है, तो हम लोग सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को इतना वैल्यू प्राप्त होता है। यहाँ से हम लोग जो है वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी को इधर रखते हैं और बाकी चीज़ को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर 4 और 1 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर भाग में तो इधर आके गुणा हो जाता है, ठीक है ना। सिंपली इसको आर और आर कैंसिल हो जाता है, सिंपली आप लोग इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आप लोग का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम लोग ने वेग का जो है वेलोसिटी का हम लोग ने पिछले वीडियो में हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, λ/t होता है, लेमडा, ठीक है ना, λ/t होता है। जनरली आप लोग इसको याद कर लेंगे तो आप लोग को एक लिए ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, मैं ब्रैकेट में उसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर से हम लोग t की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, λ/v हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से v की वैल्यू के हम लोग क्या लिख सकते हैं, v की वैल्यू को जस्ट यहाँ पर पुट अप किए हैं ना, तो हम लोग को जो है v की यहाँ पर हम लोग ने उल्टा कर दिया, ठीक है ना। तो जस्ट हो जाएगा v की वैल्यू क्या हो जाएगा, g/2π हो जाएगा, और ये हो जाएगा λ/v हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर t की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर t की वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, ठीक है, t की वैल्यू को यहाँ पर रख रहे हैं ना। तो t की वैल्यू को रखने पर यहाँ पर v का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, g/2π(λ/v) हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हम लोग ने जो है इसका इसको यहाँ पर v को इधर ट्रांसफर कर दिया तो v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, g λ/2π यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्क्वायर को हम लोग इधर ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग को एक समीकरण प्राप्त हो जाता है या एक फार्मूला प्राप्त हो जाता है, क्या होता है, क्या फार्मूला प्राप्त होता है, v इज इक्वल टू √g λ, है ना, g λ/2π हम लोग को प्राप्त हो जाता है। यही हम लोग का जो है गुरुत्वीय तरंग का वेग का व्यंजक है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम लोग को जो है वेग का व्यंजक मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जो है यहाँ पर तरंग का कुल वेग यानी पृष्ठ तनाव व गुरुत्व प्रभाव दोनों के कारण जो है द्रव की सतह पर तरंग का वेग कितना, किस कौन से समीकरण से दिया जाता है, v इज इक्वल टू √λ/2π ब्रैकेट में हो जाता है g+4π² t/λ² हो जाता है, ठीक है ना। सिंपली आप लोग इस इक्वेशन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस इक्वेशन को जैसे हम लोग सॉल्व करके बनाते हैं तो बहुत ही लॉन्ग पड़ जाता है, यानी वीडियो बहुत ही लॉन्ग पड़ जाएगा। तो आप लोग सिंपली इसको फार्मूला को याद कर लीजिएगा, और आपके बुक में भी यही डेफिनेशन या यही फार्मूला के द्वारा दिया जाता है, तो सिंपली आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये वही आप लोग के लिए सफिशियंट होगा, ठीक है ना। इसके आप लोग डिटेल में जाएंगे तो बहुत ही लंबा लॉन्ग पड़ जाएगा, जिससे आप लोग को जो है व्यंजक बनाने में जो है दिक्कत हो जाएगा। तो सिंपली जैसे आप लोग को जो है पृष्ठ तनाव और गुरुत्वीय बल के दोनों के प्रभाव के लिए पूछे तो आप लोग इस इक्वेशन को जो है जस्ट लिख के आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग के बुक में भी यही दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जो है गुरुत्वीय तरंग तथा ऊर्मिका निकाल को ऊर्मिका के व्यंजक को किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लोग v इज इक्वल टू √λg/2π+2πt/λρ लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ बस ये दोनों इक्वेशन को आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन जानना चाहे तो आप लोग के बुक में भी नहीं दिया है, और जैसे ना इसको बस याद कर लेना ही सिमिलरली काफ़ी है ना, क्लियरली, है ना। इसके डिटेल में जाएंगे तो हम लोग को व्यंजक ही याद नहीं होगा, है ना। तो सिंपली आप लोग दोनों को इक्वेशन को याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा वैल्यू हम लोग को सपोज करके चलना पड़ता है, ठीक है, मानना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग वी की जो है यहाँ पर यदि वी की वैल्यू मानते हैं, जैसे कि लेमडा को हम लोग जो है म्यू के बराबर मानते हैं, तो वी हम लोग को क्या प्राप्त होता है,
इन्फिनिटिव प्राप्त होते हैं, ठीक है। यदि लेमडा की वैल्यू हम लोग इन्फिनिटिव मानते हैं तो वी की वैल्यू को हम लोग को क्या प्राप्त होती है, इन्फिनिटिव प्राप्त होती है ना। तो हम लोग को वी का न्यूनतम मान पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। वी का न्यूनतम मान क्या होगा उसको बताइए ऐसा करके। तो वी का न्यूनतम मान निकालने के लिए सिंपली हम लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हम लोग का जो है ब्रेक जो अंडर रूट होता है वो कट जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये इसको हम लोग इधर ही रहने देते हैं, लेमडा जी अपॉन टू पाई को इधर ही रहने देते हैं, और ये जो माइनस वाला टर्म है उसको इस इधर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है ना। तो उससे हम लोग को क्या प्राप्त होता है, लेमडा की वैल्यू प्राप्त होती है हम लोग को टू पाई अंडर रूट टी अपॉन जीरो हम लोग को प्राप्त होती है। इसको हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार हम लोग का तरंग का वह मान बताते हैं जिसके लिए जो है यह तरंग का वह मान बताते हैं जिसके लिए तरंग वेग v का न्यूनतम मान होता है, ठीक है ना। तो तरंग का वेग का न्यूनतम मान ये बताता है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग जो है क्रांतिक तरंग दैर्ध्य को लैम्डा c के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली इस यही लिख सकते हैं ना। तो टू पाई अंडर रूट टी अपॉन जी रो हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को इसका मिनिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मिनिमम निकालने के लिए यहाँ पास इसी इक्वेशन में जो हम लोग निकाले थे, है ना। तो लेमडा सी जी लेमडा सी जी अपॉन टू पाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, टू पाई टी अपॉन लेमडा रो हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग जस्ट इसको सॉल्व करते हैं ना। तो हम लोग को सॉल्व करते हैं तो हम लोग यहाँ पर भाई वैल्यू यहाँ पास हम लोग को पुट अप करने चलना है ना। तो यहाँ पर जस्ट हम लोग पुट अप करते हैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू के यहाँ पास पुट अप करते हैं इसकी वैल्यू और यहाँ पास इसकी वैल्यू को, है ना। तो ये प्राप्त हो जाता है हम लोग का अंडर रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू लिख सकते हैं ना। तो टी अपॉन जी रो हो पूरे कवर कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू इंटू जी हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जी रो अपॉन टी पूरे का हाफ हो जाएगा इंटू टी अपॉन रो हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, फिर ये हम लोग को क्या प्राप्त होता है, हम लोग सिंपली यहाँ पर जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग पुट अप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा उसको दिक्कत मत लीजिएगा, है ना। टू पाई को हम लोग जो है बाहर कर देते हैं, है ना। यहाँ पर टू पाई अपॉन जो है लेमडा है ना, टू पाई अपॉन लेमडा को यहाँ पर इधर बाहर कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग को क्या प्राप्त होते हैं, लेमडा अपॉन टू की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि टू पाई अपॉन लेमडा इज इक्वल टू होता है यहाँ पर अंडर रूट टी अपॉन जी रो होता है, ठीक है ना। वही लिखा है यहाँ पर से, है ना। सिंपली आप लोग इसको यही लिख सकते हैं, और टी अपॉन रो को आप लोग टी अपॉन रो लिख सकते हैं, और जस्ट इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो कितना वैल्यू आता है, ये आपस में जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग को जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। तो उसके बाद हम लोग को क्या वैल्यू प्राप्त हो जाती है, अंडर रूट टू जी टी अपॉन रो हाफ हम लोग को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये हाफ और ये हाफ कैंसिल, आप लोग आपस में जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर जो है अंडर रूट टू को बाहर निकाल देते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो हम लोग को क्या वैल्यू प्राप्त हो जाती है, जी टी अपॉन रो ये हम लोग को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं ना। कुछ वैल्यू आप लोग को याद करके चलनी पड़ेगी अगर व्यंजक उत्पन्न करना है, ठीक है। अगर आप लोग जो है एकदम डिटेल में जाए तो आप लोग का व्यंजक सॉल्व नहीं होता है और बहुत ही लॉन्ग वीडियो बनता है और समझने में भी बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो गाइस आप लोग थोड़ा सा नोट्स को उतारिएगा, जो मैं आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एकदम सफिशियंट है ना, कोई बुराई नहीं है उसमें, आप लोग को एकदम मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अगर थोड़ा सा आप लोग इसको नोट्स में उतारिएगा और जैसे एक दो बार प्रैक्टिस करके देखते हैं, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि, तो आप लोग को ये चीज़ें बहुत ही ईजिली आप लोग को क्लियर होती जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अंडर रूट टू जी टी अपॉन रो वन अपॉन फोर इसका इक्वेशन नंबर 6 निकाले थे, ठीक है। यहाँ पर से हम लोग को जो दो स्थिति हम लोग को प्राप्त होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर स्थिति क्या सपोज करते हैं कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो लैम्डा सी से छोटी है ना, लैम्डा सी जो है बड़ी है यहाँ पास, तो ऐसा कंडीशन होता है तो जो हम लोग को जो है उर्मिका प्राप्त होता है ना। उर्मिका जैसे कि आप लोग बड़े बड़े लहर देखे होंगे उसी को हम लोग उर्मिका बोलते हैं, जो कि क्या किस पर निर्भर करते हैं, पृष्ठ तनाव पर निर्भर करने वाले तरंग को हम लोग जो है उर्मिका बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है हम लोग को, वी इज इक्वल टू अंडर रूट प्राप्त होती है टू पाई टी अपॉन लेमडा रो हम लोग को प्राप्त होती है, ठीक है। और उसी प्रकार हम लोग को कंडीशन टू, अगर जो है लेमडा बड़ी हो लेमडा सी से, तो ऐसी तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय तरंग, है ना। तो गुरुत्वीय तरंग में जो है पृष्ठ के उत्पन्न ऊपर पृष्ठ पर उत्पन्न वे तरंग जिनका जो वेग है वो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करते हैं उसे हम लोग जो है गुरुत्वीय तरंगे कहते हैं, ठीक है ना। गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा जी
अपॉन टू पाई इसका जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसके वेग का फॉर्मूला होता है। तो सिंपली आप लोग इस यहाँ तक बस सॉल्व कीजिएगा, आप लोग को पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा, है ना। अगर आप लोग को कोई परेशानी होती तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आप लोग को रिव्यू आप लोग को दे दूंगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं ना, कुछ वैल्यू आप लोग को याद करके चलनी पड़ेगी अगर व्यंजक उत्पन्न करना है, ठीक है। अगर आप लोग जो है एकदम डिटेल में जाए तो आप लोग का व्यंजक सॉल्व नहीं होता है और बहुत ही लॉन्ग वीडियो बनता है और समझने में भी बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो गाइस आप लोग थोड़ा सा नोट्स को उतारिएगा, जो मैं आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एकदम सफिशियंट है ना, कोई बुराई नहीं है, उसमें आप लोग को एकदम मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अगर थोड़ा सा आप लोग इसको नोट्स में उतारिएगा और जैसे एक दो बार प्रैक्टिस करके देखते हैं, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि, तो आप लोग को ये चीजें बहुत ही इजीली आप लोग को क्लियर होती जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अंडर रूट टू जी टी अपॉन रो वन अपॉन फोर इसका इक्वेशन नंबर 6 निकाले थे, ठीक है। यहाँ पर से हम लोग को जो दो स्थिति हम लोग को प्राप्त होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर स्थिति क्या सपोज करते हैं कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो लैम्डा सी से छोटी है ना, लैम्डा सी जो है बड़ी है यहाँ पर, तो ऐसा कंडीशन होता है तो जो हम लोग को जो है उर्मिका प्राप्त होता है ना। उर्मिका जैसे कि आप लोग बड़े बड़े लहर देखे होंगे उसी को हम लोग उर्मिका बोलते हैं, जो कि क्या किस पर निर्भर करते हैं, पृष्ठ तनाव पर निर्भर करने वाले तरंग को हम लोग जो है उर्मिका बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है हम लोग को, वी इज इक्वल टू अंडर रूट प्राप्त होती है 2πt अपॉन लेमडा रो हम लोग को प्राप्त होती है, ठीक है। और उसी प्रकार हम लोग को कंडीशन टू, अगर जो है लेमडा बड़ी हो लेमडा सी से, तो ऐसी तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय तरंग, है ना। तो गुरुत्वीय तरंग में जो है पृष्ठ के उत्पन्न ऊपर पृष्ठ पर उत्पन्न वे तरंग जिनका जो वेग है वो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करते हैं, उसे हम लोग जो है गुरुत्वीय तरंगे कहते हैं, ठीक है ना। गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा जी अपॉन 2π इसका जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसके वेग का फॉर्मूला होता है। तो सिंपली आप लोग इस यहाँ तक बस सॉल्व कीजिएगा, आप लोग को पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा, है ना। अगर आप लोग को कोई परेशानी होती तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आप लोग को रिव्यू आप लोग को दे दूंगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं ना, कुछ वैल्यू आप लोग को याद करके चलनी पड़ेगी अगर व्यंजक उत्पन्न करना है, ठीक है। अगर आप लोग जो है एकदम डिटेल में जाए तो आप लोग का व्यंजक सॉल्व नहीं होता है और बहुत ही लॉन्ग वीडियो बनता है और समझने में भी बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो गाइस आप लोग थोड़ा सा नोट्स को उतारिएगा, जो मैं आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एकदम सफिशियंट है ना, कोई बुराई नहीं है, उसमें आप लोग को एकदम मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अगर थोड़ा सा आप लोग इसको नोट्स में उतारिएगा और जैसे एक दो बार प्रैक्टिस करके देखते हैं, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि, तो आप लोग को ये चीजें बहुत ही इजीली आप लोग को क्लियर होती जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अंडर रूट टू जी टी अपॉन रो वन अपॉन फोर इसका इक्वेशन नंबर 6 निकाले थे, ठीक है। यहाँ पर से हम लोग को जो दो स्थिति हम लोग को प्राप्त होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर स्थिति क्या सपोज करते हैं कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो लैम्डा सी से छोटी है ना, लैम्डा सी जो है बड़ी है यहाँ पर, तो ऐसा कंडीशन होता है तो जो हम लोग को जो है उर्मिका प्राप्त होता है ना। उर्मिका जैसे कि आप लोग बड़े बड़े लहर देखे होंगे उसी को हम लोग उर्मिका बोलते हैं, जो कि क्या किस पर निर्भर करते हैं, पृष्ठ तनाव पर निर्भर करने वाले तरंग को हम लोग जो है उर्मिका बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है हम लोग को, वी इज इक्वल टू अंडर रूट प्राप्त होती है 2πt अपॉन लेमडा रो हम लोग को प्राप्त होती है, ठीक है। और उसी प्रकार हम लोग को कंडीशन टू, अगर जो है लेमडा बड़ी हो लेमडा सी से, तो ऐसी तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय तरंग, है ना। तो गुरुत्वीय तरंग में जो है पृष्ठ के उत्पन्न ऊपर पृष्ठ पर उत्पन्न वे तरंग जिनका जो वेग है वो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करते हैं, उसे हम लोग जो है गुरुत्वीय तरंगे कहते हैं, ठीक है ना। गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा जी अपॉन 2π इसका जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसके वेग का फॉर्मूला होता है। तो सिंपली आप लोग इस यहाँ तक बस सॉल्व कीजिएगा, आप लोग को पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा, है ना। अगर आप लोग को कोई परेशानी होती तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आप लोग को रिव्यू आप लोग को दे दूंगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन।